आदित्य रॉय कपूर और मृणाल ठाकुर की फिल्म गुमराह आज सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। गुमराह साल 2019 में आई तमिल फिल्म थड़म की रीमेक है। ये एक क्राइम सस्पेंस थ्रिलर फिल्म है। आपने अभी तक थड़म फिल्म नहीं देखी तो कोई नहीं, ये मूवी देखना, जिसमें मृणाल ठाकुर ने एक जाबाज पुलिस अफसर का रोल निभाया है। वर्धन केतकर के निर्देशन में बनी इस फिल्म को देखने से पहले ये रिव्यू जरूर देखना। चलिए दोस्तों अब कहानी जानते हैं, इससे पहले चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन प्रेस कर दो। चलिए दोस्तों, एक बंगले में कत्ल होता है, मगर मौका वारदात से पुलिस को कोई सबूत या ऐसा सिरा नहीं मिलता जिसे पकड़कर कातिल की तलाश की जाए। मगर एक पड़ोसी की सेल्फी में कातिल का चेहरा जरूर कैद हो जाता है, जिसके आधार पर एसआई शिवानी माथुर अपनी जांच आगे बढ़ाती है और आखिरकार इंजीनियर अर्जुन को पकड़ लिया जाता है। अर्जुन खुद को निर्दोष बताता है। एसीपी यादव अपने तरीके से अपराध कबूल करवाना चाहता है। इसी बीच रानी नाम का एक और शख्स पकड़ा जाता है जो अर्जुन का हमशक्ल होता है। रानी छोटे मोटे अपराध करता है। अब शिवानी के सामने असली कातिल को पकड़ने की चुनौती है। कहानी एक कत्ल से शुरू होती है और फिर हमशक्लों के बीच फंसती है। दोनों अपने अपने दावे हैं, किस पर यकीन किया जाए किस पर नहीं और कैसे गुत्थी को सुलझाया जाए। मगर इसे जिस तरह से विस्तार दिया गया है उसमें फिल्म बहक जाती है। चलिए दोस्तों, आप ये पूछ रहे होंगे कि फिल्म देखनी चाहिए या नहीं। मेरी ओर से तो आपको फिल्म देखनी चाहिए, मेरे को भी बढ़िया लगी। इस मूवी को दूंगा 5/5 स्टार। चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन प्रेस कर दो।